हेलो डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग फैब्रिक पेंटिंग सीखेंगे। आज मैं आप लोगों को फैब्रिक पेंटिंग करना सिखाऊंगी। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैंने जो फ्लावर बनाना है ना, तो पहले डार्क येलो कलर से आउटलाइन कर लेनी है। फिर उसके बाद बीच में हमें लाइट येलो कलर भरना है। फिर उसके बाद येलो कलर लेना है, ऊपर से पॉइंट रखते हुए नीचे को लेके जाना है। फिर वाइट कलर लेना है, वाइट कलर से एक पॉइंट रखते हुए नीचे ले जाना है। तो आपकी एक कली सुंदर सी बन जाएगी। अब आप लोग देखते रहिए कि मैं कैसे दूसरी कलियाँ बना रही हूँ, ध्यान दीजिए। तो आपने ध्यान दिया मैंने कैसे बनाया है, मैंने क्या किया है, फिर से आप ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले डार्क येलो कलर लिया है, डार्क येलो कलर से मैंने पूरा आउटलाइन किया है एक कली की इस तरीके से। फिर उसके बाद मैंने लाइट येलो कलर लिया है, या लाइट येलो कलर से पूरा फ्लावर को भरा है गोल्डन कलर, जो डार्क कलर था उसको छोड़ते हुए। फिर येलो कलर पूरा ले करके ब्रश में ऊपर को रखते हुए उभार देते हुए नीचे को लिया है। फिर वाइट कलर को बीच में रखते हुए नीचे को सी धीरे से ब्रश लेके गए हैं। तो उससे क्या हुआ, एक छोटी सी प्यारी सी कली बन गई है। इस तरीके से आपको सभी फ्लावर्स की कलियों को इस तरीके से, पत्तियों को इस तरीके से कलर कर लेना है। ध्यान रखिएगा, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, बस आपको ध्यान देना है। मैंने कैसे किया वैसे आप करिए, आप भी अच्छे से कर लें। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जब भी हम लोग फैब्रिक पेंटिंग करते हैं तो क्या करते हैं, कलर को कपड़े में एब्जॉर्ब करते हुए चलते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, पहला जो सबसे पहला कलर लगाते हैं उसको हम लोग कपड़े में अच्छे से एब्जॉर्ब कर देते हैं, उसके बाद दूसरे कलर ऊपर से लगाते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, इस तरीके से जिस तरीके में बनाए इस तरीके से आपको बनाना है, बस आपको ध्यान देते रहिए। बहुत ही इजी है, फिर मैं कह रही हूँ बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और ध्यान दे करके आपको कलर करना है। आप जितने ही कलर को अच्छे से लगाओगे कलर में उतना ही साइन आएगा, उतना ही आपका देखने में फ्लावर बहुत ही ब्राइट और बहुत ही सुंदर लगेगा। और हाँ, कलर में ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है। अगर ज़्यादा पानी मिलाएंगे तो क्या होता है, वो कपड़े के ऊपर जब आप कुछ भी बनाए चलते हैं तो वो फैल जाता है, बेकार हो जाता है, इसलिए नहीं मिलाना है। हल्का सा केवल अपने ब्रश को नम करने के लिए हल्का सा ही पानी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सभी फ्लावर्स बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सभी डालियाँ जितनी हैं डालियाँ बनाएंगे, पत्तियाँ बनाएंगे, जो ग्रीन कलर्स बनाएंगे। तो इसमें भी हम ग्रीन कलर एक नहीं यूज़ करेंगे, हम दो तीन कलर यूज़ करेंगे। एक सबसे डार्क यूज़ करेंगे, जिसमें कि मैंने ग्रीन कलर में थोड़ा सा रेड कलर मिला कर रख लिया है। एक मैंने हल्का सा ब्लू कलर मिला करके एक अलग सा कलर बना लिया, और एक मैंने ओरिजिनल ग्रीन रखा है। इन तीनों कलर को मिला करके बनाएंगे, और कहीं कहीं पे मैं येलो कलर का भी यूज़ करते हुए इसको बनाऊंगी। तो आपको ध्यान देना है मैंने कैसे कलर किया है, इस तरीके से आपको करना है। और सबसे विशेष ध्यान रखना है, बहुत ही सफाई से, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। इस तरीके से देखिए, जिस तरीके मैं कर रही हूँ इस तरीके से आपको भी करना है सुंदर सा। तो आपको ध्यान देते रहिए।
देखिए मैं आपको बताती हूँ मैंने लीफ कैसे किया। लीफ को भी मैंने क्या किया है, मैंने कहा था ना एक ग्रीन कलर को मैंने रेड मिलाकर रख लिया था ना डार्क से, उससे मैंने पहले आउटलाइन कर लिया है, फिर ग्रीन कलर लिया है उसके साथ ही थोड़ा सा येलो लेते हुए किया है, तो शेड एक अच्छा सा शेड आ जाता है लीफ में, पत्ती में अच्छा सा शेड आ जाता है। इस तरीके से हल्का शेडिंग करते हुए चलते हैं, इस तरीके से देखिए किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी करिएगा, खूबसूरत सी सुंदर सी आप लीफ बना लोगे। इस तरीके से कर लेना है, ये हमने छोटी छोटी सी बीच में बेल डाली हैं जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो देखिए इस तरीके से देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने पत्ती बनाई है, मैं डार्क कलर पहले कर लिया, फिर उसके बाद बीच में मैं ओरिजिनल जो ग्रीन कलर था उसको फिल किया, एक तरफ मैंने येलो लेते हुए उसको फिल किया, फिर उसको मैं क्या करूँगी उसको अच्छे से मिलाऊंगी, तो मिलाने से क्या होता है एक अच्छी सी शेडिंग आ जाएगी, सुंदर सी शेडिंग आ जाएगी। इस तरीके से आप देखते रहे कैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आप भी करिएगा, काफ़ी सुंदर पत्ती लग रही है ना, अच्छी लग रही है, तो इस तरीके से आपको करना है। एक तरफ हम लोगों ने डार्क किया, एक तरफ हम लोगों ने लाइट किया, उसको अच्छे से शेडिंग कर दी है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो लीजिए डियर फ्रेंड्स, हम लोगों की पेंटिंग हो गई रेडी, अब आप बताइए कि आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो इस पेंटिंग को आप किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं, फ्रॉक लीजिए, बच्चों की फ्रॉक लीजिए, या अब तक एक कवर ले लीजिए, या टेबल कवर ले लीजिए, किसी चीज़ पे कर, बहुत ही सुंदर लगने वाली है। तो आप लोगों को कैसी लगी है जल्दी से बता दीजिए, एक अच्छा सा लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साइड में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।